नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके लिए ड्वार्फ जेड बोनसाई पर एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूं। इस श्रृंखला में मैं विभिन्न शैली के ड्वार्फ जेड बोनसाई बनाने के बारे में हर जानकारी साझा करता रहूंगा। अन्य सभी एपिसोड की जैसे इस एपिसोड में भी कार्य प्रणाली के साथ हर जानकारी विस्तार से साझा किया गया है। ड्वार्फ जेड के विशेषता ये है कि इसे किसी भी अन्य पेड़ की तुलना में सरलता से बोनसाई बना सकते हैं और वह भी कम समय में। मेरे साथ चलिए, मैं वचन देता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में आपके पास बोने जेड बोनसाई का एक सुंदर संग्रहशाला होगा और इसके लिए आपको हर प्रकार की सहायता भी मैं करूंगा। आपके पास यदि ड्वार्फ जेड नहीं है और आपको यह नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे संपर्क करें। बोनसाई शब्द का अर्थ है ट्री इन अ पॉट, किंतु यदि बोनसाई शब्द के व्यापक अर्थ पर विचार करें तो यह पेड़ को एक छोटा सा पॉट में विशेष प्रक्रिया में लालन करके छोटा बनाए रखने की कला है। ड्वार्फ जेड एक सकुलेंट प्रजाति के पौधा है। सामान्य रूप से बोनसाई के लिए 100% उपयुक्त कहना उचित नहीं होगा, तथापि यह एक ऐसा पौधा है जिसे हर प्रकार की लोकप्रिय बोनसाई शैली का रूप दिया जा सकता है और यह दीर्घजीवी भी होता है। ड्वार्फ जेड को ट्रेनिंग से पहले कम से कम 2 साल के लिए बड़े गमले में उगाइए। आपको एक स्वस्थ ट्रंक वाला ड्वार्फ जेड मिलेगा और यदि आप सोहीन अथवा मेमे बोनसाई बनाना चाहते हैं तो छोटा पॉट में उगाइए और उसके बाद पेड़ को मनचाहा बोनसाई आकार देने का काम शुरू करें। पेड़ की संरचना को देखकर निर्णय लें कि उस पर कौन सी शैली फिट होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है सटीक शैली की निर्वाचन करना। शैली निर्वाचन करना पूर्ण रूप से आपके कलात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सर्वोत्तम शैली निर्वाचन के लिए आप इंटरनेट का सहायता ले सकते हैं। आपको हजारों चित्रों में से आपके पेड़ के लिए सबसे अच्छी शैली मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए मैं इस पेड़ को इस शैली में ढालना चाहता हूं। मेरे पेड़ की संरचना और शाखा की स्थिति कुछ इस शैली की अनुरूप है और अब मुझे लक्ष्य मिल गया तो मैं निसंकोच उसे प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकता हूं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्यपूर्वक काम करना होगा। ध्यान रखें कि एक ही दिन में आपको आपका वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। पेड़ को एक ही दिन में बलपूर्वक वांछित रूप देने की प्रयास ना करें, यह हानिकारक हो सकता है। अच्छा होगा आप छोटे छोटे चरणों में यह लक्ष्य पूरा करें। परिवर्तन की इस धीमी गति को सहन कर पाएगा पेड़। बोनसाई को लिविंग आर्ट कहा जाता है, इसे ध्यान में रखें। आपके लिए सब कुछ अनुभव करना सहज हो जाएगा।
इस चरण में इतना ही यथेष्ट है। 45 से 60 दिनों के बाद हम फिर से इस पर काम करेंगे। तब तक पेड़ को विश्राम देना होगा। अब अगले चरण की काम शुरू करेंगे। यह पॉट इसके ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं इसे पहले इस टेराकोटा पॉट में प्रत्यारोपण करूंगा और इस बार मुझे अपने लक्ष्य के अनुसार पेड़ की स्थिति बदलनी है। यहां देखें, मैं पेड़ को थोड़ा दाहिने दिशा में झुका दूंगा। अभी पानी दूंगा और फिर काम शुरू करूंगा। कुछ पत्थर रखेंगे जड़ों को सहायता देने के लिए। किसी भी शैली की सुंदरता अनुपात पर निर्भर करती है। यदि ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन सटीक नहीं है तो बॉन्साई सुंदर नहीं दिखता। बॉन्साई की ऊंचाई, तने की मोटाई, शाखाओं की लंबाई और कैनोपी की परिधि सभी सटीक अनुपात में होनी चाहिए। जैसे इस ट्रंक लाइन की लंबाई कम होना चाहिए। अनावश्यक शाखाओं को चिन्हित करना होगा और उन्हें हटाना होगा। जैसे कि इस शाखा को मैं फ्लास काट कर दूंगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और अब मैं लक्ष्य के अनुसार मुख्य ट्रंक लाइन को आकार देने की कोशिश करूंगा। इसे थोड़ा बाईं ओर झुकना चाहिए और फिर सीधा होना चाहिए। यहां एक और शाखा जिसे रखना नहीं है। इस शाखा को वायरिंग करके इसे थोड़ा नीचे मोड़ना है। कई दर्शकों मेरी कुछ बॉन्साई प्रगति साझा करने का अनुरोध कर रहे हैं। उनके लिए मेरा संदेश, कुछ बॉन्साई ऐसे होते हैं जिसकी प्रगति बहुत ही धीमी होती है। उन बॉन्साई के लिए एक अलग एपिसोड बनाना अनर्थक होता है, इसलिए मैं उनका शॉर्ट्स अपलोड करता रहूंगा। आप कृपया फॉलो करते रहिए। छोटा सा तार से ही काम चल जाएगा। इस श्रृंखला की अगले कड़ी में मैं साझा करूंगा इस बॉन्साई की प्रगति और उसी के साथ कुछ भिन्न शैली के ड्वार्फ जेड बॉन्साई बनाने की प्रक्रिया। आपको कैसा लगा आज का ये कड़ी? टिप्पणी अवश्य करें। इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।